बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि ब्लड प्रेशर एक बार हो गया और दवाई शुरू हो गई तो ज़िंदगी भर दवाई चलेगा, ये धारणा पूरी गलत है। हमने अपने सावल की प्रैक्टिस में पिछले 25 साल से हम लोग सावल की सेंटर चला रहे हैं, जिसमें हमने देखा है दवाइयाँ हम देते हैं, ज़रूर देते हैं। अगर हमारा कोई का ब्लड प्रेशर का मरीज है और उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हम दवाई देते हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ एलोपैथी में वो सारा हम इस्तेमाल करते हैं और ब्लड प्रेशर को 120 ले आते हैं। पर मन में रहता है लोगों की, भाई एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई, आगे क्या होगा? आगे अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल देते हैं तो आपका बीपी का दवाई धीरे धीरे कम किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। मैंने हजारों लोगों पे ये होते हुए देखा है। आप बोलेंगे फिर क्या करने से होगा? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर है आपको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। पहला काम, सॉल्ट को कम करना पड़ेगा, नमक को कम करिए, उससे भी बीपी कम होती है। दूसरा, आपको पैदल हर दिन चलना पड़ेगा, आधा घंटा से एक घंटा अगर हर दिन पैदल चलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तीसरा है वजन कम करना, अगर आप ओवर वेट हैं और आप उसको कम कर सकते हैं। हर ग्राम, हर किलोग्राम आप वजन कम करेंगे तो 2 से 3 मिलीमीटर आपकी ब्लड प्रेशर डाउन होने लग जाएगी। चौथा है तनाव कम करना, अगर आप योग करते हैं, तनाव कम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फल सब्जी बहुत ज़्यादा खाइए, उससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अगर ये सारा लाइफस्टाइल चेंज आप कर सकते हैं, इसमें सबसे टफ होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करना। आपको रिक्वेस्ट, अगर तनाव कम करना चाहते हैं, हमारे ऑप्टिमाइज योर लाइफ या स्ट्रेस मैनेजमेंट में जितने वीडियोज़ हैं एक एक करके देखिए, वो वीडियोज़ काफ़ी काम के हैं। स्ट्रेस को एक चीज़ है जो लोग मेज़र नहीं कर पाते। देखिए, ब्लड प्रेशर मेज़र हो जाता है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है वो भी मेज़र हो जाता है, आपकी खाने में कितना नमक खा रहे हैं वो भी मेज़र हो जाता है, पर तनाव को मेज़र करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आदमी तनाव में होता है, बोलता मैं तो तनाव लेते ही नहीं, मेरे को तो होता ही नहीं है। तनाव में खाली गुस्सा भी नहीं होता है, मन में तकलीफ वाला भी तनाव माना जाता है, अंदरूनी तकलीफ हो उसको भी तनाव माना जाता है। तो तनाव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तनाव की कोई मीटर नहीं है कि जी मेरा कितना तनाव है बताइए। तनाव कम करते ही आपके अंदर बीपी काफ़ी कम हो जाती है, और हजारों लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हमने बंद की है, कम की है। लोग बोलते हैं सर ये तो अच्छा हो गया, मेरा हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट कराने आए और बीपी की दवाई हट रही है, शुगर की दवाई हट रही है, तो कैसे हटाएं? मैं बोला हटाने की बहुत सिंपल सी रूल है, हमें 120-80 चाहिए। मैं आपको पहला दिन, हम हार्ट के पेशेंट को रिस्क नहीं लेने देते हैं, क्योंकि बीपी हाई रहेगा हार्ट अटैक की तरफ जाएगा, तो हम पहले दवाई दे के बीपी को 120 ला देते हैं। जब आप लाइफस्टाइल फॉलो करते हो बीपी को 110 लाते हो तो मैं थोड़ी सी दवाई हटा लेता हूं। फिर बीपी चेक होते रहती है, फिर देखा 110 आने लगा तो और हटाते जाओ, और ऐसे करके हमने देखा है कि बीपी की दवाई ख़त्म हो जाती है। जो हमारे नेचुरल बाईपास ECP है उससे भी ब्लड प्रेशर की दवाई कम हो जाती है। तो आप ज़रूर हमारे क्लिनिक में आके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ को कम करने का सोच सकते हैं, पर ये नहीं कि आपने बोला और मैंने कम कर दिया। मेरे पास मरीज आते हैं, सर मेरा बीपी का दवाई कम कर दो, मेरे को इतना गोली नहीं खाया जाता है। तो हम लोगों को समझाते हैं, देखो आपके हिसाब से दवाई लिखूं या मेरे हिसाब से लिखूं? तो बोलते हैं सर आप अपने हिसाब से लिखिए, पर मेरे को करने दो काम। बट आप बीपी कम लाओगे, अगर आप लेके आते हो 140 बीपी, बोलते कम कर दो, मैं कैसे कम कर दूं, मैं तो बढ़ा दूंगा आपका ब्लड प्रेशर की दवाई। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है हार्ट के लिए बहुत नुकसान करेगा, आपका हार्ट को डैमेज करता रहेगा। तो बहुत साल हार्ट की बीमारी में ब्लड प्रेशर हाई रहा तो आपका किडनी डैमेज हो जाएगा, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर पे आप ये नहीं कि यार नहीं नहीं दवाई नहीं खाऊंगा बीपी हाई रहने दो, ये बहुत नुकसान करता है। तो ये कतई नहीं करिएगा। ब्लड प्रेशर अगर है आप दवाई लो। आप बोलते हैं आयुर्वेदिक दवाई लेना, मैं बोला वो भी ले लो, पर आपको 120 ला के देना पड़ेगा। अगर नहीं ला सकते हो 2-5 दिन ट्राई कर लो, नहीं ला सकते हो हम एलोपैथी की दवाई देंगे। एलोपैथी की ब्लड प्रेशर की दवाई की एक फ़ायदा है कि इमीडिएटली कम कर देता है, और वो जब तक आपके ब्लड में रहेगा तब तक काम करेगा। आपको विड्रॉ करना है तो एक दिन में विड्रॉ हो जाएगी, पर अगर बीपी हाई है और एक दिन के लिए आप दवाई लेते हो, एक दिन कम कर लेते हो, उसमें क्या फ़ायदा, कितना फ़ायदा? अगर लेना होगा तो आगे भी लेना है। आप अपने लाइफस्टाइल से जितना इंप्रूव कर पाओगे उतनी दवाइयाँ हम हटा पाएंगे। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर की दवाई कम होती है। इंडिया में मैं आपको बता दूं, करोड़ों हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं, और बहुत सारे लोग दवाई को इस वजह से रोक देते हैं कि दवाई लेने से हर दिन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा वो भी समझा दूं। एक ब्लड प्रेशर की दवाई या तो हमारे बॉडी में जैसे ही ब्लड में जाती है किडनी उसको निकालना चालू कर देता है,
क्योंकि किडनी बोलता है ये बाहर की चीज़ है, इसको निकालो। अगर वो 8 घंटे में निकाल देता है तो दिन में 3 बार देना होता है, 12 घंटे में निकालते हैं दिन में 2 बार देना होता है, अगर 24 घंटे में निकाल दिए 1 बार देना होगा। तो आपने एक गोली खाई, 24 घंटे में वो यूरिन में बाहर निकल गया तो आपका असर ही खत्म है, फिर दोबारा गोली लीजिए फिर नेक्स्ट 24 घंटा। तो ब्लड प्रेशर की दवाई जो एलोपैथी की है वो बीमारी को ठीक नहीं करती है, मुझे मालूम है, पर मैं बोलता हूँ आज के दिन कंट्रोल कर लो, कल के दिन आप जितना लाइफस्टाइल फॉलो कर लोगे, जितना वजन घटा लोगे, जितना आप अपना स्ट्रेस कम कर लोगे, जितना योगा करोगे, उतनी दवाइयाँ हम विड्रॉ कर पाएंगे। और ये होता है और हर आदमी में होता है, मैंने देखा है, और आप इस बात को यकीन करिए, लाइफस्टाइल को ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारी वीडियोस देखिए, ब्लड प्रेशर के ऊपर भी मेरी वीडियो है उसको देखिए, फेसबुक लाइव के मेरे शोज़ हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, आप ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल करिए, नहीं तो आगे नुकसान भरना होगा, किडनी ख़राब हो जाती है इससे, हार्ट ख़राब हो जाती है, आँख ख़राब हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, ब्लड प्रेशर के बड़े नुकसान है, साइलेंट किलर माना जाता है, हार्ट अटैक हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल कीजिए, दवाई का चिंता नहीं कीजिए, आप हमारे सिस्टम से चलेंगे तो दवाई हम ज़रूर विड्रॉ करेंगे। थैंक यू सो मच।